हेलो डिजाइनर्स, आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि आज हम देखेंगे कि कौन कौन से नए डिजाइन ट्रेंड्स 2024 में चलने वाले हैं इंडस्ट्री में, कौन कौन से लाइक लोग हो गए जो भी हमारे जैसे प्रोफेशनल हो गए, कोई बिगनर होगा तो उस ट्रेंड को फॉलो करने वाले, तो उसी के बारे में आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होगा। और देखेंगे कौन कौन से नए ट्रेंड्स और कौन कौन से जो अभी चल रहे वो ट्रेंड्स आगे चलेंगे या फिनिश हो जाएंगे वो ट्रेंड्स, तो उसी के बारे में आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट ट्रेंड है बेंटो डिजाइन ट्रेंड्स। बेंटो डिजाइन ट्रेंड्स आपने कई जगह पे देखा होगा, ये कोई ट्रेंड नया नहीं है, पुराना ट्रेंड है, हमने यूज़ भी किया हुआ है सब भी ने। लाइक आप जब विंडोज 8.1 चलाते थे तो वहाँ पे उसकी स्टार्ट स्क्रीन आती थी, तो वहाँ पे भी बेंटो डिजाइन का एक कंसेप्ट लेके क्रिएट किया हुआ था। फिर विंडोज़ फ़ोन आते थे तो वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट डिजाइन थी। फिर ये टूल थोड़ा लाइक बैठ गया था कि कोई यूज़ नहीं कर रहा था उतना। फिर वापस से जब एप्पल ने अपने डिज़ाइन शोकेस में लाइक बेंटो डिज़ाइन स्टाइल में लाइक दिखाने लगे, तभी ये ट्रेंड वापस से चलने लगा। और ये लाइक ट्रेंड इंस्पायर है लाइक जापान में, आपने देखा होगा तो वहाँ पे बेंटो बॉक्स होता है कि लाइक बच्चों को या फिर प्रोफेशनल जो भी कोई ऑफिस में जाता है तो टिफिन बेंटो बॉक्स की तरह वहाँ पे लेके जाते हैं। वो एक टाइप का बॉक्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइक ब्लॉक्स होते हैं बेंटो डिजाइन में जैसे हम देखते हैं उसी टाइप से, तो वहाँ पे लाइक उसी ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेंड्स आया हुआ है, इसीलिए उसको बेंटो डिजाइन ट्रेंड बोलते हैं या फिर बेंटो डिजाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वेबसाइट उसकी दिखाता हूँ कि लाइक यहाँ पे देखिए ये वाली वेबसाइट में भी एक यहाँ पे बेंटो डिजाइन का यूज़ किया हुआ है ट्रेंड का, देखिए मेरे सामने है। फिर एक डायोग्राम की वेबसाइट है। तो लाइक इम्प्रूव क्या हुआ कि अभी जो पहले था वो फ्लैट डिज़ाइन जैसा ट्रेंड था कि बेंटो सिंपल बॉक्स लाइक कोई बॉक्स बड़ा कोई बॉक्स छोटा उस टाइप से किया था, बट अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इंट्रैक्शन के साथ भी आप डायोग्राम की वेबसाइट पे देखोगे तो देखिए बेंटो का डिज़ाइन ट्रेंड ही फॉलो किया, बट उसके साथ इंट्रैक्शन इन्होंने लगाया हुआ, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखिए। तो इस हिसाब से लाइक लोग फॉलो कर रहे हैं इस ट्रेंड को। मैं कुछ आपको और वेबसाइट्स भी दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी देखिए आपको दिखाता हूँ, इंट्रैक्शन के साथ इन्होंने एनिमेशन के साथ इस ट्रेंड को लाइक फॉलो किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखिए। यहाँ पे बॉर्डर में भी दिख रहा है उसका लाइक इंट्रैक्शन दिख रहा है, तो इसी को लाइक बेंटो डिजाइन ट्रेंड बोलते हैं। लाइक कम चीज़ों में सब ज़्यादा दिखा देना, फीचर्स वगैरह दिखा देना। फिर आपने एक बेंटो करके भी एक देखा होगा, अब बेंटो की वेबसाइट है जैसे लिंक ट्री आती है उसी तरह का एक बेंटो का लाइक उन्होंने टूल्स तैयार किया हुआ बेंटो डिज़ाइन को फॉलो करते हुए। देखिए इस टाइप की आपकी सारी सोशल लिंक पोर्टफोलियो वगैरह सब यहाँ पे दिख जाते हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो अपने लाइक पोर्टफोलियो दिखाने के लिए। लिंक्डइन पे भी लिंक वन लिंक में सब आपका शेयर हो जाता है, किसी को शेयर करना है तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट ये जस्ट टूल के साथ मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि ये लोगों ने भी एक bento.me करके एक वेबसाइट बनाई है, तो वहाँ पे भी इसी टाइप से फॉलो करते हैं और लोग यूज़ भी करते हैं काफ़ी सारे लोग। देखिए यहाँ पे तो मैं आपके सामने इसके रिलेटेड एक वेबसाइट भी शेयर करना चाहूँगा, बेंटो ग्रिड्स करके एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट लाइक जो डिज़ाइंस होती है बेंटो की वो दिखाई हुई है। देखिए यहाँ पे एप्पल के सारे शोकेस दिखाए हुए हैं कि उन्होंने जब नया वॉच इंट्रोड्यूस किया था तो वो बेंटो डिज़ाइन स्टाइल में वॉच को इंट्रोड्यूस किया, तो वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आपको डायरेक्टली उसके सोर्स पे भी जा सकते हो, तो यूट्यूब से डायरेक्टली वो अटैच कर देगा आपको, लिंक पे चला जाएगा देखिए। और फिर आप यहाँ पे उसके वेबसाइट डिज़ाइन भी देख सकते हो कि कौन कौन सी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में ट्रेंड चल रहा है, देखिए बहुत सारी डिज़ाइंस मिलेगी। तो ये रही वो अभी हमने जो शोकेस की थी वो वेबसाइट रही, देखिए और भी डिज़ाइंस है बहुत सारी देखिए। तो फ्रेंड यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो अपने लिए कि आप किस तरीके से बेंटो डिज़ाइन ट्रेंड को फॉलो करके अपने लाइक प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सके, एंड्रिबल पे पोस्ट भी कर सके। तो और मुझे भी टैग कीजिए वहाँ पे लाइक जहाँ पे भी आप पोस्ट करते हो लाइक ड्रिबल पे करते हो बीएस पे करते हो, तो आप मुझे लाइक कमेंट कीजिए एंड मेरे को भी वहाँ पे टैग कीजिए, तो ताकि मैं भी आपका वर्क देख सकूँ ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ। नेक्स्ट ट्रेंड हमारा है यूनिक इंट्रैक्शन डिजाइन टू ट्रेंड, कि लाइक छोटे छोटे इंट्रैक्शन होते हैं वेबसाइट में मोबाइल ऐप में आपने देखे होंगे, तो उस टाइप का इंट्रैक्शन डिजाइन का ट्रेंड भी आ रहा है। और नेक्स्ट लाइक लोग अब जब जाओगे लाइक 2024 में देखोगे तो ज़्यादातर लोग उसी को ही यूज़ करते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट ईयर वाली वेबसाइट में देखा कि जो अभी हमने जो डायग्राम की वेबसाइट में देखा तो वो क्या था, तो इंट्रैक्शन ही था, यूनिक इंट्रैक्शन उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रैक्शन ही एक टाइप का है कि हमारे हाथ में लाइक मैजिक स्टिक है, यहाँ से डायरेक्ट इंट्रैक्शन आप देख सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे इंट्रैक्शन का भी ट्रेंड आने वाला है, मैं कुछ आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसके रिलेटेड। तो देखिए एक और वेबसाइट लोड हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए
अभी लोड हो जाए। देखिए यहाँ पे बटन्स में भी देखिए इन्होंने इंट्रैक्शन कैसे लगाया हुआ, देखिए तो ये इंट्रैक्शन का ट्रेंड आने वाला है। अभी आप देखिए 3D में सब दिखाया हुआ है, देखिए देखिए जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें दिखा रहा है, देखिए तो इस टाइप का ट्रेंड्स आने वाला है नेक्स्ट लाइक 2024 में। आप देख सकते देखोगे कई कई ब्रांड्स इसको फॉलो करेंगे। देखिए देखिए और कुछ भी दिखाता हूँ आपको, देखिए इसको हम लोड हो जाने देते हैं। देखिए ये मुझे बहुत ही बढ़िया इंट्रैक्शन का लाइक एग्जांपल दिख रहा है, देखिए देखना अभी आप जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा, देखिए देखो तो इस तरीके से आप भले यूज़ ना करें ना थोड़ा बहुत सीखते रहिए, बट देखो आपको तो पता चलेगा और आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप कुछ नया प्रैक्टिस कर रहे हो डिज़ाइनिंग के, तो पता चलेगा अच्छा मैं इस टाइप से भी कुछ कर सकता हूँ। अभी लाइक 3D डिज़ाइनिंग लाइक 3D लाइक एलिमेंट सीखना बहुत ही ईजी हो गया, स्प्लाइन जैसे टूल्स आ गए, बहुत सारे टूल्स आ गए तो वहाँ से आप सीख भी सकते हो। मैं आपको स्प्लाइन का, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगी कि स्प्लाइन का एग्जांपल किस हिसाब से आप स्प्लाइन से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और मैं और भी आपको वेबसाइट भी दिखाता हूँ, 3D होम वाली चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी, यहाँ पे होम पे मैं जाता हूँ तो 3D का भी ट्रेंड चलने वाला है उसी के साथ। और आपने देखा होगा कि लाइक Airbnb ने भी अपना लाइक न्यू डिज़ाइन लाइक डिज़ाइन फिलोसॉफी के साथ उनका वीडियो एक इंट्रो आया था कि किस हिसाब से वो भी 3D में मूव हो गए। अभी आप एप्पल के आइकन्स भी देखोगे, पहले फ्लैट आइकन आते थे, अभी आप 3D में आइकन देखोगे। फिर रेडिट का भी आप देखोगे तो रेडिट ने भी अपनी न्यू डिज़ाइन ला दी है, अपना जो पहले रोबोट था वो फ्लैट था। तो एक तरीके से फ्लैट डिज़ाइन भी का भी एंड होने वाला है कि फ्लैट डिज़ाइन नहीं करके थोड़े बहुत 3D आपको ऐड करना होगा अपनी वेबसाइट में। आप देखोगे तो एप्पल के सारे आइकन iOS के लाइक अपने iPadOS के macOS के सारे आइकन 3D में दिख रहे हैं। अभी आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 3D का ही सब जगह पे थोड़ा बहुत ट्रेंड आ रहा है। फिर उसको भी आप ये नेक्स्ट लेवल पे में आप मेरे सामने वेबसाइट देख रहे हो ले जा रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे 3D को ले जा सकता है। ये वीडियो हो रहा है ट्रेंड्स का तो AI की बात ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स एक तरीके से 3D डिजाइनिंग का ट्रेंड आ रहा है, तो आप देखोगे तो बहुत सारे आप मिड जर्नी से आप देखोगे तो 3D टाइप के मॉडल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो Adobe Firefly में भी बहुत। आप देखोगे तो 3D के टूल्स भी AI के थ्रू इंटरेक्ट हो रहे हैं कि आप वहाँ पे जस्ट आपको कमांड देना है 3D के लाइक मॉडल्स भी क्रिएट हो जा रहे हैं। और बहुत सारे लाइक 3D का भी ईजी भी हो गया आपको मॉडलिंग करना कि लाइक आप स्प्लाइन जैसे टूल से ईजिली आप 3D के मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो। एंड आप देखने जाओगे तो एक टाइप का ट्रेंड सेट हो जाता है कि लाइक बड़ी कंपनीज लाइक जब भी कुछ डिजाइनिंग में कुछ नया इंप्रूवमेंट लेके आते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। उसी टाइप का एक एग्जांपल है हमारे सामने, आप रेडिट देखोगे फिर आप Airbnb देखोगे तो Airbnb वन ऑफ द बेस्ट है डिजाइनिंग में, लोग उनको फॉलो करते हैं। फिर एक टाइप से एप्पल देख लो तो एप्पल की भी चीज़ें लोग उठाते हैं उसको फॉलो करते हैं। एप्पल ने जब बेंटो स्टाइल में डिजाइन के बॉक्स लाए तो बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे डिजाइनर्स उसको फॉलो किया कि इस हिसाब से हम प्रेजेंट कर सकते अपनी प्रोडक्ट्स सारी चीज़ें फीचर्स वगैरह। तो एक टाइप का ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है। तो 3D का भी एक टाइप का ट्रेंड है अभी मार्केट में चलेगा। UiZard का देखोगे तो वो एक वायर फ्रेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया टूल है, बट आप UI डिजाइन में अभी उतना नहीं हुआ है इम्प्रूव, बट वायर फ्रेमिंग को बेसिक लेवल की आप जो भी लिखोगे कमांड दोगे तो क्रिएट करके दे देगा। तो AI में भी ट्रेंड्स आ रहा है 2024 में, उसका भी लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। अभी उसके साथ हम जाते हैं लाइक एक नया ट्रेंड आने वाला है स्पेशल डिजाइन। एप्पल ने इस साल अपना नया डिवाइस लॉन्च किया विजन प्रो, उसके वो विजन प्रो लाइक विजन OS पे चलता है तो उसी के रिलेटेड लाइक आप देखोगे तो उन्होंने फिग्मा में पेज भी अपना लॉन्च किया कि वहाँ से आप UI की टूल्स की लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। कंपोनेंट बेस्ड सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने रखी है तो आप स्पेशल डिजाइनिंग सीख सकते हो, वहाँ से लर्न कर सकते हो। फिर आप देखोगे तो मेटा भी उसमें काम कर रहा है, अपना Oculus 3 अभी जस्ट लॉन्च किया उन्होंने थोड़े दिन पहले, तो उसमें भी लाइक बहुत सारी चीज़ें उन्होंने AR/VR में इम्प्रूवमेंट की है। फिर उस पर गूगल भी काम कर रहा है कि गूगल ने भी अपने मैप्स जैसे एप्स में उन्होंने इंटीग्रेट किया है AR/VR का। तो आप देखोगे तो AR/VR भी एक 3D के साथ इंटरेक्ट करके आप मॉडलिंग क्रिएट करके AR/VR में भी इंटरेक्ट कर सकते हो। फिर बहुत सारे लाइक चीज़ें नई नई अभी स्पेशल डिजाइन में आ रही है तो उसका भी आप प्रैक्टिस करो, देखो कि किस हिसाब से हम थोड़ा बहुत लर्न करके सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक 2024 अभी थोड़े दिनों बाद आ जाएगा तो आप थोड़ा बहुत लर्निंग करना स्टार्ट करो, भले ही आप पूरा ना सीख जाओ बट थोड़ा बहुत तो कुछ सीखो, कुछ थोड़ा बहुत अपना वर्क शोकेस करो अपने पोर्टफोलियो में तो आपके लिए अच्छा रहेगा एंड लर्निंग पर्पज़ के लिए भी सारी चीज़ें अच्छी रहेगी।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ने हमारे लाइक जैसे डिजाइनिंग फ्रेंड जो भी कोई सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो उनके वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। एंड आपने मेरे आगे के जो लाइक मैंने जो भी वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल में क्रिएट किए वो नहीं देखे तो वो भी जाके एक बार चेक कीजिए। मैंने UX लो पे बहुत सारे वीडियोज क्रिएट किए, वो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। फिर मैंने लाइक अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि अवतार हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट लाइक अपने फोटो के बैकग्राउंड चेंज करके, तो कैसे टूल बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है, तो एक वीडियो भी मैंने क्रिएट किया, तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। फिर मैंने एक पैरेलेक्स डिजाइन पे भी जो अभी डिजाइन ट्रेंड में फॉलो हो रहा है उस टाइप के डिजाइन इंटरेक्शन वाला एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हुआ है, वो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। फिग्मा में कैसे पैरेलेक्स स्क्रॉल इफेक्ट को हम यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन। फिर हमने फिग्जाम पे भी क्रिएट कोर्स क्रिएट किया है। फिर हमने एनिमेशन पे भी बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए हुए फिग्मा में। फिर हमने आर्टबोर्ड स्टूडियो के साथ भी वीडियो क्रिएट किया, तो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए, आपको देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नया सीखोगे आप उस वीडियो से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।